वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ेंगे जिसका नाम है डेंड्रल। डेंड्रल उन शुरुआती दिनों के एक्सपर्ट सिस्टम में से है जब शुरुआत में एक्सपर्ट सिस्टम बनाए भी नहीं गए थे और कई सारे एक्सपर्ट सिस्टम डेंड्रल को बेस मान के बनाए गए। 1960 के अंदर इसकी शुरुआत की गई और 1960 में ये पाया गया कि उस जमाने में जितने भी केमिस्ट्री के एलिमेंट्स थे, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे खासतौर से, वो डिस्कवर किए जा रहे थे और डिस्कवर कुछ ऐसे कर रहे थे कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके मास, उनका मास की स्पेक्ट्रोमेट्री से उसका मास कैलकुलेट करना, मतलब हर तरह से उसका, आप एक तरह से आप किसी भी केमिकल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के अंदर जो ऑर्गेनिक जो उसके वो थे एलिमेंट्स थे उनको जब आप नाम देना चालू कर रहे थे ना, तो उसके लिए केमिस्ट्री वाले थे उन लोगों ने बहुत सारी उसके अंदर प्रिपरेशन करी, एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके बाद उसके उसको नाम रखते थे। लेकिन होता क्या था कि डेटा बहुत सारा हो रहा था इकट्ठा और मॉलिक्यूल या कोई भी एलिमेंट जब बनता था तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा इनको ज़रूरत पड़ती थी। ऐसा ना हो कि दो एलिमेंट सेम हो जाएं, ऐसा ना हो कि दो एलिमेंट जिनकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम जैसी हैं और उनका आपने नाम अलग अलग कर दिया। आप देखें, अगर आप पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो गैसेज हों, चाहे लिक्विड्स हों, चाहे उन दोनों का मिक्सचर हो, आप नीचे लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज भी अगर देखेंगे तो उसके अंदर सारे एलिमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे। अब ये अलग अलग करना सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट की बात नहीं थी, इन्होंने फिर सिस्टम तैयार करा, लिस्ट, एक जो कोडिंग का पुराने तरीका था, लिस्ट पे कोड करा और ये देखा डेंड्रल को ईजाद करने की कोशिश करी। अच्छा, डेंड्रल सक्सेसफुली ईजाद हो भी गया था, डेंड्रल जो है, डेंड्रल का इन्वेंशन हो भी गया था, 1965 के अराउंड इसका इन्वेंशन हो चुका था। साथ ही साथ जब इसका इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद जितने एक्सपर्ट सिस्टम आए, जैसे प्रोस्पेक्टर आया या एक्सकॉन आया, जो भी आए, वो सारे इसको बेस मानते हुए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी केमिस्ट्री को बिलोंग करते थे, लेकिन क्या था कि इसके अंदर जो इनपुट सेट जिस तरह से ऑपरेट करता था और इसके अंदर जिस तरह से इन्फ्रेंसिंग करते थे, उस तरह की इन्फ्रेंसिंग को उन एक्सपर्ट सिस्टम ने भी इस्तेमाल किया। बेसिकली ये जो था, ये किसके लिए था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम की चीज़ थी और इसमें आइडेंटिफाई क्या किया जाता था, ऐसे अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके आप सिर्फ मास स्पेक्ट्रम से उसको फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब उसका जो मास स्पेक्ट्रा है वही आपके पास होता है और उससे आप क्या फाइंड आउट करते थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्या फाइंड आउट कर रहे थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इसके बाद अकेला सिर्फ मास स्पेक्ट्रा से काम नहीं हो रहा था, आपके पास अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए थी केमिस्ट्री की, मतलब इसके साथ साथ आपको क्या होनी चाहिए थी, नॉलेज किसकी, केमिस्ट्री की। और ये तो जाहिर सी बात है, केमिस्ट्री की नॉलेज जिसको होगी वही कर पाएगा, आप और हम तो नहीं कर पाएंगे भाई, सीधी सी बात है, हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो हमारे बस की तो ये है नहीं, डेंड्रल चलाना भी नहीं आ पाएगा। हम बना सकते हैं डेंड्रल लेकिन चला नहीं पाएंगे, क्योंकि बनाने में कोई भी केमिस्ट्री नहीं लग रही थी, बनाने में तो सिर्फ डेटा सेट जा रहा था और उसको ट्रेन करना था सिर्फ, और वो करने के बाद आप इसकी जो प्रायर नॉलेज है, उस नॉलेज से उस सब्सटेंस का क्या रिएक्शन होता है, वो क्या करता है, वो डेटा आप इसमें डालेंगे, वो डेटा और ये डेटा मिलके फिर और जो अननोन एलिमेंट थे उनका फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, ये डेंड्रल बना जो था, ये इसमें काफी सारे लोगों का योगदान था और ये बना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था। आप देखेंगे जितने भी बड़ी बड़ी पुरानी रिसर्चेज हैं, ये तो स्टैनफोर्ड की होती हैं और या फिर MIT की होती हैं, MIT में आप देखेंगे तो जितने भी पुराने रिसर्चर्स हैं, फिजिक्स के हों या फिजिशियंस, केमिस्ट्री, ये वो जितने भी टॉपिक्स हैं साइंस के रिलेटेड, वो सारे के सारे हुए हैं। तो खैर, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे एडवर्ड फिगबॉम, ब्रूस बुकनन, जोशुआ लेडरबर्ग, कार्ल ड्रेसा, और इसके साथ इनके कुछ रिसर्च एसोसिएट थे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलकर 1965 में इसको तकरीबन इसको तैयार कर लिया था। और तकरीबन तैयार करके उसको, मतलब जो शुरुआत करी 1960 से इस आइडिया को, और आगे करते गए 60 के बाद, 65 के बाद भी आगे बढ़ते रहे, मतलब इसके अंदर इसको पूरा फुली फ्लेज्ड सिस्टम बनाने में भी उसके बाद भी अगले 2-3 साल लग गए। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था ये डेंड्रल, अब ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो था, ये इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम, क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो थी या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो थी वो पहली दफा करी गई थी किसी भी सिनेरियो को लेके। और यहाँ पे सिनेरियो क्या था, यहाँ पे सिनेरियो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये प्रोजेक्ट जो था, इसके अंदर बेसिकली दो प्रोग्राम्स थे, एक था ह्यूरिस्टिक डेंड्रल, एक था ह्यूरिस्टिक डेंड्रल और दूसरा था मेटा डेंड्रल।
और भी इसके बहुत सारी कैटेगरीज थी, लेकिन ये जनरली मेजर जो आपको, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो मेजर आप इसको पाओगे। तो डेंड्रल के दो बेसिक ऑपरेशन थे जो कि दो बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर था, और भी बहुत सारे थे लेकिन हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे उसको। हमें जो सबसे ज्यादा कंटेंट, जो सबसे ज्यादा मुश्किल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ था, वो हुआ था ह्यूरिस्टिक डेंड्रल एंड मेटा डेंड्रल। अब ये सारे के सारे लिस्ट पे कोड हुए थे और लिस्ट लैंग्वेज इतनी आसान होती थी और इतनी फ्लेक्सिबल होती थी क्योंकि इसको लिया इसलिए जाता था, लिस्ट को बोला ही जाता था कि बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, मतलब एनीबॉडी कैन कोड ऑन लिस्ट। अब लिस्ट पे आप पढ़ेंगे तो अगर खैर अब तो लिस्ट का टाइम गए, अब तो हम पाइथन को बोलते हैं ऐसी लैंग्वेज, क्योंकि आप देख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो सारी की सारी सपोर्टिंग लैंग्वेज हो वो हमेशा आसानी रहती है। उसके अंदर आसान इसलिए रहती है क्योंकि सिंटेक्स सिमांटिक्स जो होते हैं वो आसान होते हैं, बाकी लॉजिक जो होते हैं वो वैसे के वैसे होते हैं जैसे आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते होगे। खैर उसके बाद जितने भी सिस्टम बनाए गए, जैसे माइसिन बनाया गया या प्रोस्पेक्टर बनाया गया या मॉलगेन या एक्सकॉन या स्ट्रीमर, मैं जितनों के नाम लूंगा सारे के सारे डेंड्रल को आधार रख के बनाए गए। और डेंड्रल एक्चुअल में एक ऐसी चीज थी जो शुरुआत जब हुई थी तो वो बेसिकली आधार देती थी अगले रिसर्चर्स को कि वो किस सिनारियों पे काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि प्रोस्पेक्टर का काम कुछ और था, प्रोस्पेक्टर का हमने पढ़ा कि प्रोस्पेक्टर का काम क्या है सब, कि वो है ना एक एरिया के अंदर कहाँ माइनिंग करनी है उस एरिया को फाइंड आउट, पहले तो एरिया फाइंड आउट करेगा फिर वो माइनिंग वाला एरिया फाइंड आउट करेगा, ठीक है। अब ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये फाइंडिंग्स करने के लिए उसे इन्फ्रेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, उसे नॉलेज बेस की जरूरत पड़ेगी। ये इन्फ्रेंसिंग और नॉलेज बेस में हो सकता है कि नॉलेज अलग है, इन्फ्रेंसिंग टेक्निक अलग होगी, लेकिन डेंड्रल ने यह सिखाया कि इन्फ्रेंस इंजन काम कैसे करता है, नॉलेज बेस चलता कैसे है। यही हाल माइसिन के अंदर रहा कि माइसिन के अंदर एंटीबायोटिक्स के आपको पता लगता था कि भाई आपने वेट नापा किसी बंदे का और एंटीबायोटिक्स उसको कितनी लगनी है, कितनी क्वांटिटी में लगनी है, वेदर इट इज 500 mg और 300 mg और 200 mg, उसके बाद फिर उसका डिसीज किस तरह का है। तो ये डिसीजन भी क्या होता था, ये भी इन्फ्रेंसिंग के जरिए आता था। और ये सारी इन्फ्रेंसिंग किसने सिखाई, हमें डेंड्रल के कई सारे फेलियर एक्सपेरिमेंट्स ने सिखाई। जब डेंड्रल सक्सेसफुल आया उसके बाद ये सारी चीजें बनी थी, तो डेंड्रल को एक बेस, एक आधार मान के इन लोगों ने अपने अपने एक्सपर्ट सिस्टम को तैयार करा। इवन मैं भी अगर आज की डेट में कोई एक्सपर्ट सिस्टम तैयार करूंगा तो ये जो पुराने एक्सपर्ट सिस्टम है मैं इनकी स्टडी पहले करूंगा, इनका लिटरेचर रिव्यू पहले देखूंगा, उसके बाद मैं अपना एक एक्सपर्ट सिस्टम तैयार करूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैं एक एक्सपर्ट सिस्टम तैयार करता हूँ टीचर का, कि टीचर एक हो, आप जाओ, आप अपना अपना सवाल, जैसे आप टीचर की क्लास में बैठते हो, उनकी क्लास अटेंड करो, उसका डाउट पूछो, लाइव सेशन अटेंड करो, तो वो टीचर आपको वैसे ही रिस्पॉन्स बैक करे जैसा मैं करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहूंगा तो मुझे उसके अंदर नॉलेज बेस लगेगा, जैसे मेरे अंदर जितना नॉलेज है एआई का वो लगेगा, और वो किताबों से ही आया तो मैं 2-4-5 किताबें ले लूंगा। कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं तरह तरह के एग्जांपल जो ऐसे लेता हूँ जो आपने वीडियोस में देखे भी होंगे, कि मैं किताबों में नहीं जाता, ज्यादातर बिलीव करता हूँ कि रियल टाइम एग्जांपल को, रियल लाइफ एग्जांपल को आपको कोरिलेट कर सकूँ, जिससे आप पेपर में भी याद रख सकें और रियल लाइफ में भी इसको याद रख सकें और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर भी आप उसको रखें। क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा है, जिस तरह से मैंने पढ़ के उसको समझा और समझ के जैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया, ये दोनों अलग, तीनों अलग चीज़ें हैं भाई। अगर मैं सिर्फ पढ़ के और सिर्फ आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, इसका मतलब तो क्या है कि मैंने एक नॉलेज को उठाया, दूसरे नॉलेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये काम नहीं है। बीच में मेरी इन्फ्लुएंसिंग कहाँ गई, मेरा बायसिंग कहाँ गया, मेरा वेट एडजस्टमेंट कहाँ गया न्यूरॉन्स का। तो ये जो चीज़ है जो मैंने आपको बताई, इस एक्सपर्ट सिस्टम को पढ़ने से पहले मुझे इन्फ्रेंसिंग के लिए डेंड्रल या प्रोस्पेक्टर या जो भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं 1960 में, 70 में, 80 में, बहुत सारे आए, उनको मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर के अंदर नॉलेज बेस रखूंगा, नॉलेज बेस के बाद इन्फ्रेंस इंजन रखूंगा, फैक्ट रखूंगा, रूल्स रखूंगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और मैंने शायद एक आध वीडियो में दिखाया भी था आपको कि एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर जो शुरुआती वीडियोज थे मेरे फर्स्ट यूनिट के, उसके अंदर बताया भी था कि एक्सपर्ट सिस्टम जब बनता है तो उसका दिखता कैसा है, वो मतलब उसका जो आर्किटेक्चर होता है बेसिक, वो कैसा दिखता है। खैर जहाँ तक हम डेंड्रल की बात करें, तो डेंड्रल को दूसरा नाम, इसको डेंड्रिटिक एल्गोरिथम भी कहा जाता था, इसका एक एक्रोनिम था ये। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक और मेटा जो था, जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले, जो डेंड्रल बनाया उसके बाद इसके दो वेरिएशन बनाए, ये प्रोग्राम करते क्या थे। एक्चुअली में ह्यूरिस्टिक जो था, ह्यूरिस्टिक डेंड्रल जो था, वो एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि मास स्पेक्ट्रा का यूज करता था। किसका यूज करता था, मास स्पेक्ट्रा का, और साथ ही साथ कुछ अदर एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे, अदर एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स जो होती थी जो कि आपको लेनी पड़ती थी, और वो सारे के सारे एक नॉलेज बेस में रखते थे। केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का एक नॉलेज बेस होता था जिससे आप सेट ऑफ, एक सेट पैदा करते थे जिसका आंसर क्या आता था, सेट ऑफ पॉसिबल केमिकल स्ट्रक्चर। मतलब इसमें कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर आप अज्यूम कर लो, इस टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर बनता था।
और ये रिस्पॉन्सिबल था कि ये आपको डेटा प्रोड्यूस करके देता था। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक का मैंने मतलब बताया था आपको किसी एक वीडियो में, बताया होगा अंदाजा, मतलब आपने अंदाजा जब लेते हो तो अंदाजे के साथ साथ आप क्या करते हो कि उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी रखते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है तो मैं क्या करूंगा कि मुझे जो भी मेरे सिटी से नियरेस्ट प्लेस होगी पहले मैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा उसके आगे का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूंगा और आपको बता दूंगा कि यार 800 किलोमीटर चले जाओ तो तुम इतना पेट्रोल डलवा लो, आप 800 की जगह 900 के हिसाब से डलवाओगे ताकि पेट्रोल रस्ते में खत्म ना हो। ये ह्यूरिस्टिक जो होता है ये सॉल्यूशन तक ले जाता है। उस जमाने में जो आपके पास नॉलेज थी वो तो इतनी थी नहीं, आप क्या करते थे मास स्पेक्ट्रा निकालते थे और उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कोर करते थे जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप चाहे टाइट्रेशन हो या कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो, और उसके बाद आप ऐसा कुछ बना के छोड़ते थे। और ये जो था ये प्रपोज था, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये हाइपोथेसिस थी, ऐसा डेंड्रल नहीं बनाते कि नहीं आपने बताया और एग्जैक्ट। और इवन आपको एक और बार बता दूं, अगर कोई भी दुनिया का अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपर्ट सिस्टम होगा वो हमेशा हमेशा 95% तक ही कारगर साबित होगा। और वैसे भी ह्यूमन ब्रेन भी देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन भी आपको कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है दुनिया में मौजूद जिसके पास 100% जिसका स्ट्राइक रेट रहा हो, जो जितने पेशेंट आए वो सारे क्योर हुए, दो चार केस बिगड़ते भी हैं, दो चार लोग उससे नुकसान भी हो जाता है दो चार लोगों को, और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जिनकी दवाएं लिए जाते हैं लेकिन तबीयत खराब ही रहती है। तो इसलिए जब आप ह्यूमन ऐसा नहीं बना पाए जो कि 100% इलाज कर रहा है तो आप माइसिन ऐसा कैसे बना दोगे जो 100% एंटीबायोटिक्स दे पाए। इसलिए ये हाइपोथेसिस थी और ये कयास था, ये अंदाजा था जिससे आप मास स्पेक्ट्रा और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन को मिला के आप कुछ कर लो, कुछ पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो कि साहब ये हमारा आगे अगला जो है केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से दिखेगा। अच्छा मेटाडेंड्रल जो है वो क्या है, एक मशीन लर्निंग का एक सिस्टम था जिसमें क्या होता था कि इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर भी कुछ चीजें सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो थे वो कैसे लेते थे, यहाँ पे कुछ केमिकल स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज लेते थे, एक ये ले लिया, एक इस टाइप का कुछ ले लिया, मुझे खैर इतना मालूम नहीं है, शायद केमिस्ट्री वाला कोई फैकल्टी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो समझ जाएगा। यहाँ पे क्या था कि ये क्या करता था, कुछ सेट रिसीव करता था, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज रिसीव करता था, किसकी, ह्यूरिस्टिक डेंड्रल की, और वहां से जो केमिकल स्ट्रक्चर आपने अंदाजा लगाया था ना उसको लेता था और मास स्पेक्ट्रा को फिर से इनपुट की तरह लेता था और यहां से बनाता था कुछ आपके रूल्स निकालता था। क्या निकालता था, रूल्स, काय के रूल्स निकालता था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के रूल्स निकालता था जो कि कोरिलेट करते थे उस स्ट्रक्चरल फीचर को। आप समझिए जरा बात को, यहां पे ह्यूरिस्टिक ने क्या करा, मास स्पेक्ट्रा और अदर एक्सपेरिमेंट्स को लेके स्ट्रक्चर प्रपोज करा, फिर मेटा ने क्या करा, स्ट्रक्चर को लिया और मास स्पेक्ट्रा को लिया और इससे रूल्स निकाले, मतलब वो जो अदर एक्सपेरिमेंट्स है ना वो एकदम आपको लिखे नहीं गए, वो आपको मिलेंगे कहां से, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे और रूल्स बन के सामने आएंगे, और यहां से आप एलिमेंट को पहचानोगे भी, कोरिलेशन भी, और आप ये बता दोगे कि यार किसी का मास स्पेक्ट्रा अगर 50 है ठीक है तो वो एलिमेंट हीलियम होगा फॉर एग्जांपल, ऐसा मतलब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा ठीक है, मास स्पेक्ट्रा 52 कर देते तो ये कुछ और बन जाएगा, लेंथेनाइट बन जाएगा, आपका मतलब समझ रहे हो आप, यहां पे जितने भी मास स्पेक्ट्रा के मैंने एक अंदाजा लिया, प्लीज इसको आप सही मत मानिएगा, मुझे एक्चुअली मास स्पेक्ट्रा हर एक एलिमेंट का याद नहीं है, तो मैंने तो एक अंदाजा लिया कि क्या होता था कि जितना भी मास स्पेक्ट्रा आता था, अब अगर इसकी रेंज 50 से लेके 50.5 तक है तो वो 50.5 और 50 के बीच में कुछ भी आएगा तो उसको हीलियम ही बोलेंगे, ऐसा कुछ था। और यहाँ पे एलिमेंट्स की फाइंडिंग्स होना चालू हो गई और उसके बाद फिर जो केमिस्ट्री थी, जो केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र था उसमें बहुत तरक्कियां हुई और लोगों ने फिर इवन मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पीरियडिक टेबल पढ़ा था वो पीरियडिक टेबल आज से 20 साल पहले जो था अभी फिलहाल और अपडेट हो गया है और शायद मेरे ख्याल से आने वाले 20 साल में और अपडेट होगा, बिकॉज नए नए एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, नए नए फाइंडिंग्स होती जा रही हैं, नए नए रिसर्चेस इस केमिस्ट्री के अंदर होते जा रहे हैं। तो डेंड्रल की कहानी ये थी कि 1960 में एक ऐसी मशीन बनाई गई जिसको आज तक देखा जाता है बड़ी अच्छी निगाह से, और उसके साथ ये दो प्रोग्राम्स थे इसके, ये दोनों प्रोग्राम मिक्सअप होकर आपको कुछ आखिरी कंक्लूजन तक ले जाते थे, और कंक्लूजन क्या होता था, मास स्पेक्ट्रम का कोरिलेशन होता था, मास स्पेक्ट्रम का कोरिलेशन किसके साथ होता था, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ, मास स्पेक्ट्रम का कोरिलेशन किसके साथ होता था, यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ होता था, या जो भी आपका एलिमेंट आएगा ना एलिमेंट का स्ट्रक्चर उसके फीचर्स को देखते हुए। ये था एक्सपर्ट सिस्टम जिसका नाम था डेंड्रल। थैंक यू सो मच।